Hello students, today we'll see the last part of chapter number 1, Maths 9th standard, that is number system. Today we'll see how to rationalize the number. To rationalize the number means you need to rationalize the denominator. Rationalize karne ke liye hume denominator mein koi bhi root nahi chahiye. Wo root ko hatana kaise hai, wo abhi hum dekhenge. तो पहला सम है 1/√7, तो दोनों को रूट सेवन से हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √7/7. वैसे ही 1/√7 − √6, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर हमने देखा फर्स्ट सम में √7 × √7 क्या होता है, √7 का स्क्वायर मतलब 7 हो जाएगा, और √7 × 1 क्या हो जाएगा, √7, तो इट विल बी √7/7. इन द सेम वे सेकेंड सम में क्या दिया हुआ है, 1/√7 − √6, तो √7 − √6 है तो हम उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं. कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, हम लोग √7 + √6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √7 + √6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब क्या हुआ, इधर जो साइन होता है वो जस्ट साइन चेंज करना है, ए और बी का वैल्यू सेम रहेगा नंबर का, इधर भी √7 √6, इधर भी √7 √6, तो ये नीचे हो जाता है a − b a + b. व्हाट इज a − b a + b, इट इज a² − b², तो देखो ये हो जाता है √7² − √6², तो 7 − 6, √7 का स्क्वायर होता है 7, √6 का स्क्वायर होता है 6, तो 7 − 6 क्या हो जाएगा, 1, और ऊपर √7 + √6 आ जाएगा. इन द सेम वे थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, 1/√5 + √2, इसमें बीच में प्लस का साइन है तो हमें कॉन्जुगेट किसका लेना पड़ेगा, बीच में माइनस का साइन कर देना पड़ेगा, √5 √2 सेम एज इट इज रहेगा. वापिस से ऊपर का टर्म को हम कुछ भी नहीं करेंगे, √5 − √2 रहेगा, नीचे जो a + b a − b है उसकी जगह आएगा a² − b², तो ये हो जाएगा √5² − √2² √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, 5 − 2 हो जाएगा 3, और ऊपर √5 − √2 एज इट इज रहेगा. इन द सेम वे सी द फोर्थ सम. In fourth sum here it is given 1/√7 − 2. So you need to take conjugate √7 + 2 √7 + 2. So again a − b a + b, that is a² − b² So a is what, √7 square. √7 का square क्या हो जाएगा, 7, और 2 का square 4 होगा, इधर √2 नहीं है इधर 2 है, तो 2 का square 4 होगा, तो 7 − 4 क्या हो जाएगा, 3. So this is how we have rationalized the denominator. हमने denominator को rationalize किया, करना कुछ नहीं है, सिर्फ denominator में जो भी root आता है उसको हटाना है, कौन सी formula के through, a² − b² Now see next topic. There are some important result जो आपने 8th standard में exponent and power में पढ़ लिया है, वही result इधर भी है, तो ध्यान से देखो. a·m · a·n, इट इज a + a·m + n. अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, एड होता है, तो इधर हमने m + n किया. अगर बेस डिनोमिनेटर में है a·m a·n, तो पावर इज सब्ट्रैक्टेड, ये n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, a·m − n. वैसे ही a·m·n है तो ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर a और b सेम है और पावर सेम है, सॉरी a और b कोई नंबर है और उसका पावर सेम है, दैट इज m, तो a मल्टीप्लाई बाय b·m. अभी यही 1.6 में इसके बहुत सारे सम है जो हम देखेंगे. तो फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है, देखो 64√1/2, तो 64 इधर 1/2 आएगा, 64√1/2. 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 8² × 1/2. अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a·m·n a·mn, हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 2 2 कट हो जाता है, तो आंसर आएगा 8√1, दैट इज 8. तो 64√2 का आंसर आ गया 8. वैसे ही दूसरा सम है 32√1/5. अभी 1/5 है तो 1/5 2 का पावर में कब 5 आता है,
जब 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू 5. वी कैन राइट 32 एज 2 रेस टू 5 रेस टू 1 बाई 5. वापिस से यही आइडेंटिटी a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल्स टू a रेस टू mn. तो हम वही चीज को वापिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 5 5 कट हो जाएगा, 2 रेस टू 1 आंसर 2 आएगा. वैसे ही थर्ड सम है 125 रेस टू 1 बाई 3. तो 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं तो क्यूब क्यूब वापिस से कट होके 5 रेस टू 1 आंसर आ जाएगा 5. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 9 रेस टू 3 बाई 2. हमें ये 2 हटाना है तो ये 2 कब हटेगा, जब हम 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर. तो मैंने 9 को क्या लिखा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 बाई 2. तो ये 2 2 कट होके 3 बचेगा. अभी तक कुछ भी नहीं बचता था पावर में, इधर 3 बचेगा तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27. वैसे ही 32 रेस टू 2 बाई 5. 32 को अभी मैंने बताया 2 के पावर में कैसे 5 लिखेंगे, सो 2 रेस टू 5 लिख सकते हैं हम लोग. मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 5 दिया हुआ है तो 5 5 वापिस से कट होके आंसर आएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4. नाउ सी नेक्स्ट सम 16 रेस टू 3 बाई 4. तो इसको कैसे लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 रेस टू 4 क्योंकि हमें 4 कट करना है. तो 2 रेस टू 4 16 होता है, तो 2 रेस टू 4 इंटू 3 बाई 4, 4 4 कट होके आंसर आएगा 2 क्यूब. 2 क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8. वैसे ही 125 रेस टू माइनस 1 बाई 3. 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, इंटू माइनस 1 बाई 3 एक नया नंबर है, माइनस है. माइनस मतलब क्या, इट इज 5 रेस टू माइनस 1. माइनस 1 होता है तो वो चीज क्या चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो इट इज 1 बाई 5. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 रेस टू 2 बाई 3 इंटू 2 रेस टू 1 बाई 5. तो when बेस आर सेम पावर आर एडेड. तो हमने 2 बाई 3 और 1 बाई 5 को ऐड किया, फिर एलसीएम लिया, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा. और इसको जब एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 13/15. तो इसको आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते तो एज इट इज इसको लिखेंगे. वैसे ही इधर 1 बाई 3 क्यूब रेस टू 7. तो पूरे के ऊपर 7 है तो 1 का भी पावर 7 होगा और 3 क्यूब का पावर भी 7 होगा. 1 का पावर 7 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 3 क्यूब का पावर 7 मतलब 7 3 21. अभी ये 3 रेस टू 21 जब ऊपर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पावर है उसका साइन चेंज होके माइनस 21 हो जाएगा. जब इधर माइनस 1 था तो वो नीचे आके 1/5 हो गया, इधर 3 रेस टू 21 है जो ऊपर जाके 3 रेस टू माइनस 21 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू ए रेस टू एन. तो क्या होता है, व्हेन द बेस आर सेम एंड दे आर इन डिवीजन इट इज सब्ट्रैक्टेड. तो एम माइनस एन हो जाएगा तो 1 बाई 4 ऊपर जाके हाफ के साथ माइनस हो जाएगा. फिर एलसीएम लेंगे हम लोग तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से, 2 माइनस 1 1 बाई 4 बचेगा. तो यर आंसर विल बी 11 बाई 4. इन द सेम वे 7 रेस टू हाफ इंटू 8 रेस टू हाफ. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए रेस टू एम बी रेस टू एम. इधर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है. तो जब पावर सेम होता है तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी रेस टू एम. तो इधर हो जाएगा 7 इंटू 8 रेस टू हाफ. तो 7 8 56 रेस टू हाफ हमारा आंसर आएगा. सो दिस इज हाउ वी हैव सीन द डिफरेंट फॉर्मूलाज, और यू कैन से certs और एक्सपोनेंट एंड पावर. थैंक यू.